आगामी लोकसभा चुनाव और रामनवमी को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पुलिस ने असामाजिक तत्वों एवं हुड़दंगियों के विरुद्ध विधि व्यवस्था संधारण के पूर्व अभ्यास के लिए पुलिस केंद्र रामगढ़ परिसर में राइट कंट्रोल मॉक ड्रिल का संचालन किया गया। मॉक ड्रिल में अनुमंडल पदाधिकारी आशीष गंगवार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी परमेश्वर प्रसाद, पुलिस उपाध्यक्ष फौजन अहमद, रामगढ़ थाना प्रभारी अजय साहू, परिचारी प्रवर मंटू यादव, पुलिस पदाधिकारी और सीआरपीएफ जवान शामिल हुए। रामगढ़ जिले वासियों को आगामी रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से हम अपील करते हैं कि हर्षोल्लास के साथ और शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी का पर्व मनाएं। अगर कहीं भी कोई उपद्रवी शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास करता है, तत्काल कंट्रोल रूम में सूचित करें। जिला प्रशासन पुलिस पूरी तरह से सजग होकर के पूरी सिचुएशन को की निगरानी कर रहा है। हम लोगों ने 86 जगहों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स की तैनाती की है। इसके साथ ही जितनी भी संवेदनशील जगह हैं सभी जगहों पर फ्लैग मार्च भी किया गया है। कल भी कई जगहों पर फ्लैग मार्च किया गया, आज रामगढ़ शहर के सभी जगहों पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है और आज प्रातः में भी किया गया। इसके अलावा आज मॉक ड्रिल भी कराई गई है और पुलिस को प्रशिक्षण दिया गया है कि अगर भीड़ बेकाबू होती है, अनियंत्रित होती है, लॉलेस होती है, तो ऐसे में भीड़ से कैसे को कैसे नियंत्रित करना है, मजिस्ट्रेट को ट्रेनिंग दी गई है। तो आज विस्तृत हम लोगों ने इसके बारे में पुलिस लाइन में चर्चा भी की है, फ्लैग मार्च भी चल रहा है।